फ्रेंड ये कुर्ती है जिसमें हमको गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए इस तरह से हम बकरम से गले की डिज़ाइन काट लेंगे और ये वाला जो डिज़ाइन है इसको हम नीचे लगाएंगे। तो इस तरह से आपको डिज़ाइन काट लेना है। तो हमने पहले से काट लिया है। उसके बाद एक कपड़ा लेंगे हम इस तरह से और इसके ऊपर हम कटे हुए बकरम को रखेंगे जो हमने डिज़ाइन काटा है उसको हम रखेंगे और एक इंच मार्जिन छोड़ के इस तरह से काट लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं काटने के बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे और बकरम को इस कपड़े में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमको सिलाई लगा के अटैच कर लेना है फ्रेंड। तो इस तरह से हम घुमाते हुए इसको सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा सिलाई लग चुका है। इसको हम काट लेंगे और इस तरह से बराबर करेंगे डबल फोल्ड करके और बीच में एक कट लगाएंगे। ये हमारा बीच का सेंटर का निशान हो जाएगा। तो हमने कट लगा लिया है। ये कुर्ती है इसमें भी हमको कट लगाना है। तो इस तरह से हम बराबर करेंगे दोनों तरफ और इसमें भी कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमको बकरम को इसके ऊपर रखना है इस तरह से और अंदर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो अंदर की तरफ हमको सिलाई लगा लेना है। बकरम को हम बचाते हुए सिलाई लगाएंगे। बकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलना चाहिए तो हम बकरम के नीचे से ही सिलाई लगाएंगे इस तरह से घुमाते हुए। फ्रेंड ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें एक बार। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अटैच कर लिया। उसके बाद हम अंदर का कपड़ा जो है हमारा इस तरह से आधा इंच मार्जिन छोड़ के कपड़े को काट लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो हमने इस तरह से कपड़ा भी काट लिया है और इस तरह से हम कट लगाएंगे। तो कट लगाने के टाइम हमको ध्यान देना है सिलाई नहीं कटना चाहिए। सिलाई को बचाते हुए कट लगा लेंगे और ये कट भी लग चुका है। इसके बाद हम इस तरह से इसको पलट देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमको उल्टी तरफ इसको पलट देना है और ऊपर एक हम यहाँ पे लफ की सिलाई लगाएंगे बराबर करते हुए इस तरह से। इस तरह से हमको लफ की सिलाई लगाना है बराबर करते हुए हम लफ की सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड। बहुत ही ईजी है। और ये हमारा सिलाई भी हो चुका है। इसको हम काट के निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से गला हमारा बनेगा। उसके बाद हमको डिज़ाइन वाला लेना है बकरम और इसको हम इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसके बराबर हम इसको रखेंगे और सिलाई लगा के कपड़े पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम घुमाते हुए सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड ये अटैच हो चुका है। इसके बाद हम इस तरह से आधा इंच मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है और इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसको हम काट लेंगे, काट के निकाल देंगे और अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको भी हम काट के बराबर कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये बराबर हो चुका है। इसके बाद हमको कुर्ती लेना है। ये कुर्ती है हमारा। इसको हम यहाँ पे सेंटर में रखेंगे इस तरह से एक इंच नीचे करते हुए और इसको हम सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से पहले हमको बीच में एक सेंटर में सिलाई लगाना है और उसके बाद हम इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे फ्रेंड। बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हमको घुमाते हुए अटैच कर लेना है। इस तरह से घुमाते हुए हमको सिलाई लगाना है फ्रेंड। बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे। तो इस तरह से काट के निकालने के बाद बीच में हम काटेंगे इसको और इस तरह से आधा इंच मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट के निकाल देंगे। तो इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के निकालेंगे आधा इंच मार्जिन छोड़ के। तो फ्रेंड इस तरह से काटने के बाद हम बीच में कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमको कट लगाना है। तो हमको ध्यान देना है फ्रेंड सिलाई नहीं कटना चाहिए। सिलाई को हम बचाते हुए इस तरह से कट लगा लेंगे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से उल्टे तरफ पलट देंगे। तो इस तरह से बराबर करते हुए हम उल्टे तरफ पलट देंगे इसको
और ऊपर हम यहाँ पे लव की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बराबर करते हुए लव की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से घुमाते हुए फ्रेंड हमको लव की सिलाई लगाना है, तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। बराबर करते हुए इस तरह से हमको घुमाते हुए सिलाई लगाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसको हम काट देंगे, तो इस तरह से काट के निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। उसके बाद ये अंदर का बकरम है जो हमारा अंदर का कटा हुआ है। इसको एक कपड़े के ऊपर हमको रखना है और बकरम के ऊपर हम लव की सिलाई लगाएंगे और इसको हम अटैच कर लेंगे इस कपड़े में। तो इस तरह से घुमाते हुए हमको अटैच कर लेना है और ये हमारा अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमको इस तरह से डिज़ाइन के लिए एक दूसरे कलर का कपड़ा लेना है, 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा, और उस कपड़े से हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे और इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हमको, आप देख सकते हैं इस तरह से हम बराबर रखेंगे और इसको सिलाई लगा के अटैच करेंगे। इस तरह से हम एक के बाद एक डिज़ाइन बनाएंगे और इसके अंदर हम इस तरह से अटैच करते रहेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन बनाना है और अटैच करते रहना है एक के बाद एक इसी तरह से। फ्रेंड बहुत ईजी है, इस तरह से हमको डिज़ाइन बनाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम घुमाते हुए डिज़ाइन बनाएंगे और इसमें अटैच करेंगे एक के बाद एक। इस तरह से हमने अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसको हम इस तरह से बराबर काट लेंगे कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट के निकाल दिए हैं। इस तरह से हमको काट के निकाल लेना है। उसके बाद हमको इस तरह से और एक कपड़ा लेना है जिससे हमको पाइपिंग बनाना है। तो पाइपिंग हमने पहले से बना लिया है, आप देख सकते हैं। अगर जो आपको पाइपिंग बनाने नहीं आती है तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी पाइपिंग बनाने के लिए। उसके बाद हम इस तरह से पाइपिंग बनाने के बाद हमारा जो डिज़ाइन था इसको हम इस तरह से इसके अंदर रखेंगे और इसको हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इस तरह से बराबर करते हुए फ्रेंड आप देख सकते हैं, इस तरह से बराबर करके इसको अटैच करेंगे सिलाई लगा के। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से बराबर करते हुए और इसको हम अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड ये बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें आप, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इस तरह से घुमाते हुए हमको अटैच कर लेना है। और इस तरह से हमारा ये अटैच हो चुका है, इसको हम काट के निकाल लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।